करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भैया हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, से हेलो गाइस। तो अब ऐसा है कि हम लोग रसीद कटा चुके हैं, हम लोग प्राइवेट टैक्सी। तो नेक्स्ट ब्लॉग आज हम लोग आ चुके हैं पटना राजेंद्र नगर जंक्शन, यहाँ से हम निकल रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। भैया हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, से हेलो गाइस, बाबा बर्फानी की जय। सो फाइनली हम लोग दिल्ली आ चुके हैं, जस्ट अभी उतरे हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं पहले अपने फ्लाइट पे, फिर यहाँ से निकलेंगे सामने जम्मू तवी के लिए, फिर हम लोग की अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होगी। हाय गाइस, ये दिल्ली में पहली बार आया है ये लड़का, पहली बार आया है ये लड़का। इसको हाथ पकड़ के घुमाने का भुतला ना पाए, देख लेना सामने छोटी गंगा में घुमाना है। अमरनाथ सुबह हो गया है, मैं नहा धोकर के रेडी हो गया हूँ। ये देखिए सभी तैयार हो चुके हैं। हेलो, ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब जरूर करें। देख रहे हैं गाइस, ये वीडियो वायरल करिएगा, अगर हमको कुछ हो जाता है तो यही मेरा सबूत है, इसी लड़का ने गाइस अभी झुंझोड़ा है। फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर। दीपक को ले चलो, दीपक को भी ले चलो भाई, दादी ले, दादी ले। हेलो जी, वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। हम लोग आ चुके हैं जम्मू टवी रेलवे स्टेशन, अभी जस्ट हम लोग यहाँ उतरे हैं और ये रहा पीछे हमारी ट्रेन। सो यहाँ से प्लान कुछ ऐसा है, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे बाहर, वहाँ बनवाएंगे RAF कार्ड, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे भगवती नगर और वहाँ से मिलिट्री कॉन्वेयर के साथ हम लोग पहुँचेंगे पहलगाम, क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन पहलगाम से है। सो हम लोग पहलगाम जाएंगे, हमारे ग्रुप मेंबर्स कुछ फ्रेश होने गए हैं, सो आते हैं फिर हम निकलते हैं यहाँ से। मैं अभी जस्ट रेलवे स्टेशन के अंदर ऑफिसर से पूछा है, उन्होंने बोला कि बाहर अमरनाथ सिंह बोर्ड के बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ से हम RAF कार्ड भी बनवा सकते हैं। अभी जैसे हमें पता कि RAF कार्ड यहाँ यूज बन जा रहा है, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना RAF कार्ड बनवाने और ग्रुप मेंबर्स आ रहे हैं, पहले RAF कार्ड बनवा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं भगवती नगर चलना है या कैसे क्या प्लान है। पहले तो भगवती नगर ही जाना होगा, पता करना पड़ेगा गाड़ी वहाँ से जा रहा है या नहीं जा रहा है, मेन फैसिलिटी वही है, तो मिलते हैं आगे। सो फाइनली गाइस हम लोग का RAF कार्ड बन चुका है, तेरा RAF कार्ड कहाँ है, और हमारे ग्रुप मेंबर्स अभी अंदर गए RAF कार्ड बनवाने। सो फिर यहाँ से निकलते हैं, वो लोग आ जाते हैं तो हम चलते हैं भगवती नगर, वहाँ देखते हैं कैसे क्या प्लान अप है, फिर मिलते हैं आप लोग से। हाँ, और अब जब भी जम्मू ये सब आते हैं तो प्रॉपर ट्रेन से आएँ, जैसे राजधानी ये सब से आएँ, ताकि वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। जैसे अभी दिल्ली से आ रहे थे तो कामाख्या एक्सप्रेस था वो कैंसिल हो गया था, तो आप लोग प्रॉपर राजधानी कुछ जान लें बढ़िया ट्रेन से आएँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, सुबह आराम से उतरेंगे, आराम से RAF कार्ड बन जाता है। सब क्या एयरकार्ड बन चुके हैं, बनो चलते हैं यहाँ से भगवती नगर, फिर आपसे मिलते हैं, चले बाबू, बाय बाय। हाँ भाई चले, तो बन गया भाई, अब लेना है हम लोग को सिम, तो सिम ले लेते हैं फिर मिलते हैं। फाइनली हम लोग तो टैक्सी के लिए निकले थे बाहर भगवती नगर के लिए, बट यहाँ पे कुछ आदमी मिले जो बोले कि भगवती नगर वहाँ जाके डायरेक्टली आप लोग टैक्सी ले लीजिए पहलगाम के लिए, फिर रूट लाइन कभी भी चेंज हो जाता है, सो प्राइवेट टैक्सी आप लोग ले लें, फिर वहाँ से आप लोग निकल जाए। तो अब ऐसा है कि हम लोग रसीद कटा चुके हैं, हम लोग प्राइवेट टैक्सी इनोवा ले लिया है 7 सीटर, वैसी से हम लोग जाने वाले हैं पहलगाम। सो चलिए टैक्सी में सामान रखा जाए, फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। ये हम लोग टैक्सी से निकल चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं बाबा बर्फानी के लिए। ये हमारे ग्रुप मेंबर्स सब टैक्सी में बैठ चुके हैं, वो है रोहित भैया, ये है हमारे छोटू भैया, ये अपना बाबू, हाँ भाई मैं चश्मा, पीछे आप देख सकते हैं उधर है छोटा चेतन, उधर है नितेश और उधर है हमारे लंबू जी। लंबू जी हेलो कर दीजिए यार, हेलो। आप लोग पतले दुबले भैया पीछे एडजस्ट कर जाइएगा, हम लोग का नहीं होता है ना। सो बोलिए बाबा बर्फानी की जय, जय माता।
सो गाइस सबसे बेस्ट ये होता है भगवती नगर ना जाकर हम लोग डायरेक्ट टैक्सी ले लें और वहाँ से डायरेक्टली हम लोग पहलगाम के लिए निकल जाएं। हम लोग पहलगाम को निकलने के लिए इनोवा क्रिस्टा बुक किए हैं जो 11,000 रुपये में हम लोगों ने बुक किया है, 7 सीटर। हम लोग 7 आदमी ही थे जिसके लिए हम लोगों ने बुक किया है। तो ज़्यादा बेस्ट अगर समय बचाना है तो आप डायरेक्टली जम्मू पहुँचें, जम्मू से डायरेक्टली टैक्सी बुक कर लें और डायरेक्टली पहलगाम पहुँच जाएँ, या बालटाल से आपने पंजीकरण किया है तो बालटाल पहुँच जाएँ, वो ज़्यादा बेस्ट होगा आप लोग के लिए। सो चलिए जैसा होगा आगे जानकारी आप लोग को देता रहूँगा, तब तक के लिए बाय। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और एनएच पे आ चुके हैं और यहाँ जम्मू तवी से जो डिस्टेंस पड़ती है पहलगाम के वो पड़ते हैं 240 किलोमीटर अप्रॉक्स। सो बोलिए बाबा बर्फानी के जय और एनएच का नाम लेके बढ़ते रहें, मौसम साथ देगा तो मज़ा आएगा, मौसम बढ़िया रहे मज़ा आएगा। सो बाबा से प्रे बस यही करना है कि मौसम बढ़िया रहना चाहिए, मौसम साथ देगा तो अच्छे से दर्शन हो जाएगा। बारिश अगर एक भी दिन हुआ तो हम लोग को रास्ते में अटकना पड़ेगा, बट होप सो बाबा सब सही करेंगे। ये रहा हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी का फर्स्ट टनल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। सो फाइनली हम लोग अभी फर्स्ट स्टॉप पर रुके हैं, जो अभी बज रहे हैं 9, हम लोग को लगी है बड़ी जोर की भूख और यहाँ चल रही है भंडारा। सो हमारे ग्रुप में रुके हैं, गाड़ी हमारे पीछे लगी हुई है, तो जल्दी से कुछ खाते हैं फिर आगे आपको सुनते हैं। और ये है भंडारा, जय भोला भंडारी सेवा दल, ये छपड़ा बिहारी का, चलिए बढ़िया है भाई। चलिए पहले कुछ खा लिया जाए फिर मिलते हैं आप लोग से। हम लोग का खाना पीना हो चुका है, अब हम लोग चल रहे वापस अपनी गाड़ी में ताकि 12 बजे तक रामबन पहुँच सके। और ये ढाबा था बहुत ही सही, छपड़ा बिहारी है अपने, ये भी वो बहुत अच्छा लगता है कि बिहारी आते हैं, बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी खुशी मिलती है। तो चलते आगे फिर मिलते हैं, चलते बाय। तो हम लोग रामा से 1 घंटे के डिस्टेंस पे हैं, जो यहाँ से अप्रॉक्सली 40-50 किलोमीटर से बचा हुआ है, जहाँ पे रास्ता कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड में बह गया था, बट अभी रास्ता बन चुका है, रोड स्टार्ट है। सो हम लोग जा रहे हैं, मौसम बहुत सही है अभी, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं रामा में, जैसा होगा आपको लोकेशन दिखाया जाएगा। फाइनली हम लोग आ चुके हैं NH44 का टोल बूथ पे, टोल प्लाजा पे। इसके बाद जो हमारी टनल है वो बहुत लंबी होगी, वो अप्रॉक्सली 10 किलोमीटर की होगी। सो चलिए जैसा भी होगा आपको दिखाया जाएगा। सो एक चीज़ ये भी है, यहाँ हर चीज़ टाइमली चलता है, अगर 2 बजे से पहले आप बेनिहाल क्रॉस कर लीजिएगा तो फिर आगे जाने दिया जाएगा, फिर नहीं जाने दिया जाएगा। अप्रॉक्सिमेट 150 किलोमीटर। थैंक यू। हम लोग उस रास्ते पर आ चुके हैं जिसको कहते हैं रामबन, जो कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड में ये रास्ता पूरी तरह से खत्म हो गया था, पूरे
बह गया था बारिश की वजह से, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ था जिसकी वजह से यहाँ का रास्ता पूरा ही ख़त्म हो गया था, बट बहुत ही जल्दी इस पर काम किया गया और साइड वे से रास्ता बनाया गया और साइड से ही अभी रास्ता चल रहा है, क्योंकि प्रॉपर टनल रास्ता तो समय लगेगा बनने में। सो हम लोग इसी रास्ते से भी आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली हम लोग बनिहाल से कुछ पहले आ गए हैं, 25 किलोमीटर और बचा हुआ बनिहाल में, उसके बाद फिर नेशनल हाईवे मिल जाएगा अभी। सो भैया अभी तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है, बादल अच्छे हो गए, क्लाउड्स अच्छे हो गए हैं, अभी भी बहुत मंजिल दूर है भैया। रोक देंगे ना, नाइट आपको यहीं पे स्टे करना पड़ेगा, फिर सुबह ना कानवाई जाएगी, वो आपको कानवाई के साथ चलेगी, चलना पड़ेगा। अरे बाबा नहीं नहीं, पता ना हमारा पूरी जिंदगी लाइफ ही यही काम देगा। नहीं नहीं, आराम से मस्त पहलगाम पहुंचा दीजिए ना कैंप तक, मैं इसलिए आपका हम लोग निश्चिंत रह जाएं, तो रात को रुकना पड़ेगा, सुबह 8 बजे कानवाई के साथ जाओगे, 12 1 2 बजे फिर आप उधर पहुंचोगे। नहीं नहीं, वो सुबह के बैठे बैठे भाई मन उठ गया है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी भी रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अभी भी है, उम्मीद है शाम के 7-8 बजे तक हम लोग पहलगाम पहुँचेंगे, बट मौसम सही हो गया है, बट पाजी का कहना है कि टाइम पे अगर पहुँच जाते हो तो बढ़िया है, अदरवाइज रास्ते में ये लोग रोक देंगे, सो उम्मीद है पहले पहलगाम ही चलते हैं फिर वहीं कुछ खाया जाएगा। बट ये है अगर आप सुबह से ट्रैवल स्टार्ट करते हो 9 बजे सुबह से, तो आप अप्रॉक्सी शाम के अगर जाम मिलेगा थोड़ा बहुत तो भी आप शाम के अप्रॉक्सी 6-7 बजे से पहले पहलगाम नहीं पहुँचोगे। सो कोशिश करो जितना सुबह हो सके उतना सुबह निकल जाओ, 6-7 बजे ही जम्मू से अगर आप टैक्सी लेते हो तो निकल जाया करो। भाई कहाँ आ गया, फिर से बोलना। पनवेल में, पनवेल में पनवेल श्रीनगर से कटके का भाई हम लोग कह रहे हैं हम लोग पहलगाम पहुँचने वाले हैं, एप्रोक्सली अभी 30 किलोमीटर और बचा हुआ है, लगभग पहुँच ही चुके हैं 30 किलोमीटर। अब हम कुछ लोग हम लोग कुछ खाएंगे और ये वाले इंजीनियर साहब है, इनका यहाँ खड़ा होता है ऐसा योगदान है कि रोड आधा गड्ढा में है यहाँ पे, और पीछे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है हमारे, कोना में इंजीनियर है, बहुत सारे टनल में लाइट नहीं चल रहा है, तो रिसर्चर है। हमारे ड्राइवर साहब के बहुत बहुत थैंक यू पाजी को, जो हमें सही टाइम पे पहुंचा दिया है यहाँ पे, थैंक यू पाजी। कोई बात नहीं सर, ये मेरी ड्यूटी है, बैठो तो अब बस कुछ खिला दो रोटी, बस जहाँ पे भी आएगा ज़्यादा भी जस्ट रुके हम लोग एक कैफ़े में, कैफ़े का नाम है कैपिटल एल की कैफ़े, सो चलते हैं देखते हैं क्या है, चाय कॉफ़ी हो जाए 30% हो जाए, अगर बर्गर हो तो बर्गर मिल जाए। देखो कितना देखे तुम लोग, रुके इतना अच्छा ये लोग देख के रुके, देखिए सुंदर सा रुका है, ओके इसको देखा रहा है
भाई इतना अच्छा जोड़ हुआ है, कितना अच्छा इंटीरियर दिख रहा है। तो कैफे से हम लोग निकल चुके थे और ये वो जो दरगाह दिख रहा है, ये बजरंगी भाईजान की शूटिंग जो हुई थी, जो सॉन्ग हुआ था वो यहीं पे हुआ था। ये वही दरगाह, बट मौका नहीं है जो यहाँ जा सकते हैं। सो आगे बढ़ा जाए भाई। सो जैसे जैसे हम लोग मंजिल के करीब आ रहे हैं, रास्ता और मौसम बहुत सुहाना होते जा रहा है, धीरे धीरे लोकेशन भी बहुत प्यारा होते जा रहा है और अभी शाम भी होते जा रहा है, इसलिए लोकेशन बहुत ही सही होते जा रहा है। सो चलिए आप लोग लोकेशन का मजा लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहलगाम के आगे जस्ट अभी स्टॉप किए हैं, जहाँ लोकेशन बहुत ही प्यारा है, नेचर वाइज बोले तो भाई दिल खुश हो जाएगा इस जगह पे। आप भी जब भी आओगे पहलगाम रूट से तो इस जगह पर रुको, खूब फोटो वीडियोस क्लिक करो। ये हमारे रिंकू पाजी जो बहुत अच्छे से हम लोग को लाए हैं, और ये हमारे ग्रुप मेम्बर। सो चलिए थोड़े नेचर के मज़े लिए जाएँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे ग्रुप मेम्बर सब आ चुके हैं तंडेली करने के लिए। यो यो फोटो वीडियो हो गया, आप चला जाए बेस कैंप, वहाँ चलते हैं क्योंकि बहुत शाम होने जा रही है, 7 बजने जा रही है, चलते बेस कैंप। लेकिन व्यू जो था भाई, क्या बात है व्यू के, कुछ ऑसम व्यू है। तो फाइनली अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और हम लोग आ चुके हैं प्रॉपर पहलगाम। यहाँ से बेस कैंप की एंट्री के वे हैं और यहाँ से चेकिंग होगी हमारी। सो इसलिए जामे यहाँ पे गाड़ी चेकिंग ये सब होगी, रसीद कटेगी, पर्ची कटेगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बोलो बाबा बर्फानी की जय, यहाँ इतने समय लगे हैं और समय लगेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यार बहुत ही जाम है, बहुत ही ज़्यादा रश है अभी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गाड़ी आ रही है। तो फाइनली हम आ गए हैं नंदगांव, हम लोग आ गए हैं बेस कैंप की ओर। बस से हम लोग उतर चुके हैं अपने टैक्सी से, अब यहाँ पे पहले होगी चेकिंग पूरे सामान की, पूरे लगेज की, दैन फिर हम आ लोग आगे अपने टैक्सी बैठ सकते हैं। फिर आई थिंक सो हमारा बेस कैंप फुल हो चुका है, तो आई थिंक
हमें होटल ही लेना होगा। चलिए फिर आगे मिलते हैं, देखते क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, जैसा होगा आपको डिटेल्स आगे मैं देता हूँ। फाइनली एड़ा बेस कैंप, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। वेलकम टू यात्री बेस कैंप और बलगाम 200 मीटर, ये है हमारी बेस कैंप। सो जल्दी जल्दी यहाँ चेकिंग करवाते हैं फिर आगे मिलते हैं। हम लोग यहाँ चेकिंग करवाते हैं फिर आपको मिलते हैं जैसा मैं बताते रहूँगा। सो प्रेम से बोलो बाबा बर्फानी की जय। फाइनली हम लोग अपने मंजिल पर आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं, वो आगे बढ़ते हैं। जितना जल्दी चेकिंग हो जाएगा उतना जल्दी हम लोग आगे जा सकते हैं। बट यहाँ से कुछ कम्प्लीट हो गया तो 3:30 बजे सुबह हम लोग की अलाउमेंट मिल जाएगी जाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं। लो जी, हम लोग के टैक्सी वाले ने हमें पहलगाम मार्केट में छोड़ दिया। अब हम लोग यहाँ से होटल के लिए देख रहा हूँ क्योंकि बेस कैंप में थोड़ी सा भी जगह नहीं है। सो यहाँ हम लोग होटल चेक करते हैं कहाँ मिल सकता है कहाँ नहीं मिलेगा, पहले देख लेते हैं उसके बाद स्टे करेंगे। सो फाइनली सीन कुछ ऐसा गाइस, हम लोग ओल्ड पहलगाम आ चुके हैं बेस कैंप से भी ऊपर। बेस कैंप में भी जगह नहीं था क्योंकि 3-4 दिन का रश बहुत ज़्यादा था, जो यात्री बहुत ही ज़्यादा एक बार में आ चुके थे और हमारी यात्री जो थे वो 14 तारीख के डेट में था, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड फील हो रहा था यहाँ पे। सो हम लोग ओल्ड पहलगाम जा रहे हैं, वहीं होटल मिले। भाई हम लोग बहुत ही लेट अभी आए हैं पहलगाम, हम लोग को होटल मिल गया है और हम लोग होटल मिल गया, सबको अभी आराम करने आया, सबको खाना पीना भी हो गया है मस्त से। ये हमारे भाई लोग हैं, मस्त रिलैक्सेशन कर रहे हैं अभी, आराम से चिल मार रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं ये सुबह कल उठ पाएंगे या नहीं। एकदम उठेंगे, एकदम। कितने बजे उठेगा भाई लोग? 4 बजे। 3 और 4 अभी डाउट बुझा रहा है। 4 बजे? 3 से 4 कितने बजे उठेंगे? 4 के बीच में हम तो यार फुटबे नहीं करेंगे। केदारनाथ बाबा की जय।